मैं आपको इस रेस्टोरेंट में आने की दावत देता हूं और एक ऑफर बताता हूं। शहर के अंदर हूँ। बड़ा ही सुना है कि खारघर जो है वो दिल वालों का शहर है, तो यहाँ पे आज एक नई रेस्टोरेंट खुली है जिसका नाम है अजवा। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करने से पहले, यहाँ के खाने कैसे हैं, यहाँ का एम्बियंस कैसा है, होटल कितनी खूबसूरत है, वो चीज़ें दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे आया जाता है। तो चलिए मैं आपको रास्ता समझाता हूँ। दोस्तों, इस वक्त जो मैं हूँ खारघर के सिग्नल पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो ये है खारघर का मेन सिग्नल और ये रहा खारघर का फ्लाईओवर। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो सड़क जो आ रही है ये वाशी से आ रही है, और राइट हैंड साइड में जो सड़क जो जा रही है वो पनवेल जा रही है। तो वाशी और पनवेल ये सड़क के बीच में ये जो खारघर का जो सिग्नल है, यहाँ से ये जो हीरानंदानी है आप देख सकते हो, यहाँ से हमें अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद हमें पहले सिग्नल से यू टर्न लेना है। जैसे ही हम सिग्नल से लेफ्ट लेकर के अंदर आएंगे, हमको पहला राइट टर्न जो है ये नमस्ते सेलोन वाला और ये हीरानंदानी वाला, हमको यहाँ पे जाना है। वहीं पे सामने अजवा होटल है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं तो हमें आगे के सिग्नल से यू टर्न लेकर के आना है। उस सिग्नल से यू टर्न लेकर आना है और लेफ्ट टर्न लेकर के वहाँ पे जाना है। तो दोस्तों, ये रहा अजवा रेस्टोरेंट खारघर। तो मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे आया जाता है, तो अभी हम इस रेस्टोरेंट का वॉक अराउंड करते हैं। यहाँ पे कितनी तरीके की डाइनिंग का इंतजाम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। ये यहाँ का जो है ओपन डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर आप सुकून और इत्मीनान के साथ आप अपनी फैमिली अपने परिवार के साथ इंजॉय करते हुए इतनी ज़बरदस्त आलीशान होटल में खाने का लुत्फ ले सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है इसकी डिज़ाइन और तज़ीन कारी के ऊपर काम किया गया है। आप छोटी छोटी चीज़ें देखिए, देखिए सिंपल सा आईना है उसके ऊपर भी कितना वर्क किया गया है। अरे ये तो छोड़िए, यहाँ का एक वॉश बेसन देखिए कि देखिए वो भी कितना उसको फैंसी बनाया गया है। छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है। मैं नहीं समझता हूँ कि जिस कॉस्ट के अंदर, जो मेनू मैंने यहाँ पे देखा है, जिस कॉस्ट के अंदर ये लोग सर्विस दे रहे हैं ना, गजब है। कोई भी खारघर में आपको इस तरह के एम्बियंस के अंदर, इस कॉस्ट के अंदर कोई नहीं देगा। तो दोस्तों, ये हमने अभी देखा, यहाँ का डिनर हॉल हमने भी देखा। अब हम जो है ऊपर जाते हैं एसी डाइनिंग। एसी डाइनिंग के अंदर भी दो तरीके के हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यह है यहाँ का खूबसूरत लेविश आलीशान एसी हॉल। यहाँ पे भी आप अपनी फैमिली और परिवार के साथ जो है सुकून और इत्मीनान के साथ खाने का लुत्फ ले सकते हैं। साथ ही इस रेस्टोरेंट का सबसे सरप्राइज एलिमेंट है वो अंदर है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ का प्राइवेट डाइनिंग रूम है। आप चारों तरफ देख सकते हो 360 एंगल के अंदर कि ये कितना जबरदस्त है। अगर आप खारघर में रहते हो या अतराफ में रहते हो, न्यू बॉम्बे में रहते हो, कुछ एक आपके जो 15-20-25 लोगों को अगर आपको कोई छोटी मोटी पार्टी
मनानी है। जैसे कि देखो, दो रोज पहले ही यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी थी और ये जब उसी की सजावट है, तो आपको ये जो है आपको ये मिल सकता है। आपकी अपनी फैमिली है यहाँ पे, सुकून और इत्मीनान के साथ जो है अपनी जो खुशियां हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और खारगढ़ जैसे इलाके के अंदर आपको ऐसे ऑप्शन बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो बड़े ही एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो ये है इस रेस्टोरेंट का वॉक अराउंड। ये मेरा टेबल है, अभी कुछ ही देर में मुझे खाने सर्व होंगे, तो जैसे ही मुझे खाने सर्व होते हैं मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। So this is sizzling dry. Sizzling dry. Okay, chicken sizzling dry, sir. Chicken sizzling dry. जी सर। And this is mutton गजब की बोटी सर। मटन गजब की बोटी सर। मटन गजब की बोटी, नाम ही माशाल्लाह देखो गजब है मतलब। And this chicken oyster dry sir. Chicken oyster dry. And this are chicken काली मिरी कबाब। Chicken काली मिरी कबाब। This is मटन तुर्की बोटी सो। मटन तुर्की बोटी। This is chicken तंदूरी lemon तंदूरी सो। Chicken lemon तंदूरी। जी सर। ठीक है। दोस्तों स्टार्टर सर्व हो चुके हैं, तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हसबे मामूल जो हम शुरुआत करते हैं अपनी नमक से करते हैं, तो ये नमक। और माशाल्लाह आप देखोगे तो स्टार्टर्स के जो कलर है, मेरे को इसके रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कलर बोल रहे हैं कि किस कदर लजीज, जायकेदार, मज़ेदार दिख रहा है। तो पहले हम ये इससे शुरू करते हैं। हल्का फीका, मज़ेदार, चटपटा। चाइनीज़ का चटपटापन का तो अपना ही एक अलग मुकाम है, वैसे ही है ये। और ये जो गज़ब की जो बोटी है, जो इसका नाम है, वाकई में एकदम कमाल का जायका है इसका, गजब का स्वाद है। और ये चाइनीज आइटम ऑयस्टर ड्राई, ये चाइनीज आइटम। उसका तो क्या कहना। आपको याद है हमने चिकन लेमन लेग पीस खाया था एक बार, दो जगह पे खाया था, लेकिन आज जो है ये देखिए लाल मसाले में नहीं है, इसके अंदर लेमन में बना हुआ है। तो जिस तरीके से वो बना है, लेकिन वो लेग पीस था। और यहाँ पे देखो, मैंने पूछा भी था उनको, तो बोले नहीं हम वो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उसी लेमन को इन्होंने पूरी तंदूर में बनाया हुआ है। अगर आप एक मुख्तलिफ तरह की तंदूरी खाना चाहते हो, जो आम तरह आम जो होटलों में मिलती है उससे बिल्कुल उसका जायका अलग हो, तो आप यहाँ पे जब आइए तो ये ज़रूर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर जो मसाले, जो लवाजमात का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओवरऑल पांचों तरह के ये जो स्टार्टर्स है वो मैंने चखा है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। याद रखिए ये खारगढ़ है, और यहाँ पे इस तरह के एम्बियंस के अंदर जिस कीमत पे ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आपको दे पाएगा। सर ये हमारा चिकन हंगामा है, इसमें आपको तीन तंदूरी पीसेज हैं, जिसमें रेशमी कबाब है, पहाड़ी कबाब है और चिकन टिक्का है सर। अच्छा। इसका तीनों का टेस्ट अलग अलग है सर, मतलब एक ही जी सर डिश के अंदर तीन तरह ट्रिपल टेस्ट है सर। ट्रिपल टेस्ट जी सर, तीन तरह का जायका जी, तीन तरह की जायका है सर, और तीनों ही तंदूर रोस्टेड है सर। अच्छा।
तीनों का तंदूर में बनाया गया है, तंदूर में बनाया हुआ है सर। तंदूर में बना करके फिर इसकी ग्रेवी बनाई जी सर, पहले तंदूर होने के बाद फिर इसको ग्रेवी में। सर ये हमारा है चिकन टिक्का मसाला चिली फ्राई सर, चिकन टिक्का मसाला चिली फ्राई सर। सर ये हमारा जो ना तीन तरह से बना हुआ है, पहले तो ये तंदूर में रोस्ट होता है सर, तंदूर में रोस्ट होने के बाद तो सॉसेस होते हैं सर जो चाइनीज के होते हैं सर, ओके। देन फिर आपको सर ये मैगनेट ग्रेवी इंडियन ग्रेवी में बनाया जाता है सर। मतलब एक जो साधन है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसको तंदूर में रोस्ट अलग अलग जगह पे बनता है जी सर, जी सर तीन तरह से इसको बनाया गया है सर। मतलब इसकी बोटी पहले तंदूर में तंदूर भी की गई है, पहले तंदूर रोस्ट किया गया है, चिकन टिक्का है सर ये। सर ये है गार्लिक नान, तंदूरी गार्लिक नान सर, तंदूरी गार्लिक नान जी सर। सर ये है तंदूरी बटर नान, तंदूरी गार्लिक नान और तंदूरी बटर नान, तंदूरी बटर नान सर, तंदूरी बटर नान जी सर। ये वो डिश है जिसको तीन जगह पे बनाया जाता है और उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सॉसेस, जो अक्सर जो लोग हैं वो सॉसेस इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो वाकई में इसका जो जायका है चटपटा भी है, तीखा भी है, खट्टा भी है, और इसकी बोटी भी देख लेते हैं क्योंकि तंदूर के अंदर इस पर वर्क हुआ है। देखिए कितना मुलायम गोश है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ दोस्तों, जब आप इस आलिशान होटल के अंदर खाने के लिए आओ, एक बार ये ऑर्डर देके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ऑलमोस्ट मैं जो इंस्टाग्राम पे जो भी मुझे डीएम करता है, डायरेक्ट मैसेज देता है, मैं उसका खुला उसका जवाब देता ही हूँ। दूसरी डिश भी इनकी कमाल की है। आप एक ही डिश जो है उसमें अगर आप ऑर्डर देते हो तो एक ही डिश के अंदर आपको तीन तरीके के जायके मिलते हैं। अब तक मैंने जो स्टार्टर खाया और जिस तरह का मैंने यहाँ के जो मुख्तलिफ सालन खाया उनके अंदर जो मसालों के जो लवाजमत इस्तेमाल किए, जो इनकी कीमत है, मैं समझता हूँ कि 5 से 6 लोग जो है अगर यहाँ पर खाएंगे ना, जो हिसाब से यहाँ पर क्वान्टिटी दे रही है ना, 2 से 2500 रुपये के अंदर पेट भर के आप इतनी अच्छी एम्बियंस वाली होटल के अंदर खा सकते हैं। बताइए इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं पे मिलेगा? खारगर में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर ये है हमारा चिकन खफसा राइस, इसमें सर चिकन तंदूरी पीसेस भी हैं और इसमें अदर स्पाइस भी है। तो इसमें राइस भी है जी सर, राइस भी है, ग्रेवी भी है सर, और तंदूरी के पीसेस भी हैं सर, तंदूरी के पीसेस भी जी सर। आपको ये देखिए, ये 3 से 4 लोग तो अगर सिर्फ यही खाएंगे तो 3 से 4 लोग तो यही खा लेंगे। आपको चावल भी मिल रहा है, ग्रेवी भी मिल रही है और तंदूरी भी मिल रही है। चलिए साथियों इसका जायका देखते हैं कि कैसा है। एक बेहतरीन खप्सा जो आपको एक वैल्यू फॉर मनी, जो आपको एक मुनासिब कीमत के अंदर बेहतरीन खप्सा है। सर ये है हमारा केशर फालूदा सर, इसमें सेफ्रॉन सिरप है और सब्जा है, बहुत सारा आइटम, ड्राई फ्रूट्स भी है सर। दोस्तों आप इसका कलर देख रहे हो, जबकि पेट भर के मैंने खाना खाया हूँ, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं तो थोड़ा सा चखता था, लेकिन आज इसका जो कलर है ना, ये कलर बता रहा है कि ये कितना टेस्टी है। ये एक तरीका रहता है, पहले ये जो नीचे जो चाशनी रहती है जिसको सिरप कहते हैं अंग्रेजी में, उसको मिला लेना पड़ता है। केसर फालूदा,
बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, कुछ ही देर के अंदर एंडिंग बाइट के अंदर मैं आपको इस रेस्टोरेंट में आने की दावत देता हूं और एक ऑफर बताता हूं। तो जैसे ही ये मैं खत्म करके मैं आपसे मिलता हूं तभी ऑफर बताता हूं। अजवा रेस्टोरेंट खारघर में खाने का जो तजुर्बा था बहुत जबरदस्त था, बड़ा मजा आया, बहुत मैंने इंजॉय किया। दोस्तों इस रेस्टोरेंट की सबसे एक प्लस पॉइंट क्या है मालूम है? पूरे मुंबई वालों के लिए, अगर वो पुणे की तरफ जा रहे हैं या आगे जो है शोलापुर जा रहे हैं, बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं, लोनावला जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सफर के अंदर एक मसला रहता है हलाल फूड का। तो ये ऑन द वे है, आप जा रहे हो लोनावला तरफ, पुणे की तरफ, मुंबई से निकले, काउंटर पे नंबर पे फोन कीजिए या यहाँ पे आ जाइए, अपना पार्सल पिकअप कीजिए और सीधा चले जाइए। खाना है तो बैठ करके सुकून से खाइए, इतना अच्छा ऑप्शन है। ये नहीं कि सिर्फ खारघर वालों के लिए, वो तमाम लोग जो टूवर्ड्स पुणे की तरफ, लोनावला की तरफ, खपोली की तरफ सफर करें, उन सब के लिए ये फैसिलिटी कितनी अच्छी है। अपने वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप ये बोर्ड देखिए, न्यू अजवा, ये है खारघर फर्स्ट ब्रांच, ये है मरोल की, दूसरी ब्रांच है कलमबोली की और तीसरी ब्रांच जो है ये खारघर की, जिसको आज हमने एक्सप्लोर किया है। ये लोग की पहली रेस्टोरेंट नहीं है, ये इनकी खुद की जो है तीसरी रेस्टोरेंट है। इनके आबा व अजदाद की जो मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पे जो रेस्टोरेंट है वो तो अलग ही है। इसका मतलब ये कि ये खाने के तजुर्बे के अंदर ये लोग मास्टर लोग हैं और पूरा अपना तजुर्बा जो है उन्होंने इस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए लगाया है। और चूंकि ये नई रेस्टोरेंट है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसके लिए मैं एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये जितने भी नुक्कड़ एक्सप्रेस के सब्सक्राइबर है उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये जो वीडियो है मंगल के रोज ये पब्लिश होगा। मंगल से लेकर के नेक्स्ट संडे तक आपको यहाँ पे दावत दी जाती है और स्पेशल डिस्काउंट के साथ। अब वो डिस्काउंट भी कैसा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखिए। अजवा चिकन लॉलीपॉप सिर्फ 99 रुपये के अंदर, दूसरा स्पेशल दम बिरयानी, इतनी खूबसूरत रेस्टोरेंट के अंदर आपको ये लोग इंट्रोडक्शन जो ऑफर दे रहे हैं सिर्फ 99 रुपये के अंदर, तीसरा चिकन क्रिस्पी 160 रुपये के अंदर, और इसके अलावा फुल तंदूरी जो है वो 249 रुपीस के अंदर। ये तो मैंने आपको सिर्फ चार ही चीज़ें बताया है, इनके पास जो ये ऑफर की 10 से 12 चीज़ें हैं। आप अपनी फैमिली को लेके आइए और काफ़ी रिजनेबल रेट तो पहले से ही इनके कम है, और उसके अलावा भी इन्होंने अपना जो नया ऑफर, क्योंकि नया रेस्टोरेंट उन्होंने चालू किया, आपको ये ऑफर दे रहे हैं, आप खाने का बहुत ही कम पैसों में पूरा लुत्फ ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे और पूरे अतराफ के इलाके के अंदर ये लोग की फ्री डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, आपको आपके घर बैठे ही मिल जाएगा। अगर सपोज आप कुछ थोड़े दूर है तो इनकी जो सेकंड ब्रांच है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये कलमबोली की, वहाँ से आपको डिलीवरी मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपके पास अगर कुछ यहाँ की इंक्वायरी हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं या इस रेस्टोरेंट को बारे में समझना चाहते हैं या कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर के ऊपर जो है आप फ़ोन करके अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। साथ ही इस रेस्टोरेंट का नाम, इस रेस्टोरेंट का टेलीफोन नंबर, यहाँ का गूगल लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पिन भी कर दूंगा। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वहाँ से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही इस ब्लॉग को इख्तिताम यहीं पे करते हैं, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे। खुश रहिए, इंजॉय कीजिए।